नमस्कार, पीपी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। गाजीपुर जनपद में राष्ट्रीय जन लोक पार्टी के संयोजक और फूलन देवी के हत्या के बाद सुर्खियों में आए शेर सिंह राणा का गाजीपुर की सीमा में प्रवेश करते ही सिधौना बाजार में जोरदार क्षत्रिय समाज द्वारा स्वागत किया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के संरक्षक नीली सिंह ने उन्हें तिलक लगाकर पगड़ी पहनाया, तो वहीं क्षत्रिय महासभा के संयोजक राजीव सिंह ने शेर सिंह राणा को चांदी का तलवार भेंट किया। शेर सिंह राणा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरा पहचान फूलन देवी की हत्या के रूप में नहीं, बल्कि पृथ्वीराज चौहान की समाधि जो दूर देश अफगानिस्तान के वीराने में लावारिस पड़ी थी उसे भारत लाने का लेकर के मेरी पहचान है। मैंने जो पुनीत कार्य किया है यह साहस आज तक भारत सरकार ने भी नहीं कर पाई। सच्चे क्षत्रिय किसी कमजोर और असहाय पर जुल्म नहीं किया करते और उनकी रक्षा करके अपने प्राणों की बलि तक देने में नहीं चुकते हैं। सिधौना बाजार में स्वागत समारोह के बाद पीपी न्यूज 24 से बात करते हुए शेर सिंह राणा ने क्या कहा, आइए आप भी सुनिए उन्हीं की जुबानी। मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी। आज यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ सामाजिक है और मऊ के अंदर एक समाज का कार्यक्रम है जिसमें शामिल होने के लिए आज सुबह मैं बनारस में लैंड हुआ, तो बीच में यहाँ पे भी स्वागत के लिए जो हमारे समाज के हमारे से जुड़े हुए जो हमारे आदरणीय बुजुर्ग हैं, हमारे युवा साथी हैं, उन्होंने यहाँ पे एक सम्मान समारोह रखा। ये मेरा सौभाग्य है और उसी के लिए आज यहाँ पर हम रुके हैं। शमशेर जी, आपकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पे फूलन देवी के हत्यारे के रूप में है, क्या आप इस छवि से बाहर निकलने का कभी प्रयास किए या अपनी अन्य उपलब्धियों को आपने प्रसारित किया ताकि ये छवि से आप बाहर निकल सके? देखिए, ये तो आपका कहना है, लेकिन हमारे समाज में और देश में जो मेरी छवि है वो हमारे आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि अफगानिस्तान से वापस लाने के कारण है और अफगानिस्तान के हर वर्ग के लोग जो है वो हमसे जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं लाखों की संख्या में, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान जी जो हमारे आखिरी हिंदू सम्राट थे वो पूरे देश की आन बान शान थे और ईश्वर ने मुझे ये गौरव दिया कि मैं उनकी समाधि अफगानिस्तान से तालिबान के गढ़ से ला पाया, ऐसा मेरा सौभाग्य है। चूंकि आप एक राजनीतिक पार्टी बना चुके हैं और राजनीतिक अनुभव आपका कुछ बेहतर नहीं रहा है, 2012 में आपने चुनाव लड़ा और अपने जाति विशेष वर्ग के क्षेत्र से लड़ा और पांचवें स्थान पे आप रहे, तो राजनीति में अपना भविष्य कैसा देखते हैं आप? देखिए, मैं पहले भी और अभी कोई राजनीतिक आदमी था ही नहीं और अभी भी नहीं हूं, मैं आपको बता दूं, लेकिन क्योंकि के इस समय समाज को और जो 36 बिरादरी आप कह लीजिए या हर धर्म हर वर्ग को आप कह लीजिए, इस समय एक नए राजनीतिक दल की जरूरत है जिसका नेतृत्व जो है क्षत्रिय करें। जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो लोक दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, सबको मालूम है कि वो एक विशेष जाति के लोगों ने अपने समाज के उत्थान के लिए बनाया और जब भी वो सत्ता में आते हैं या भागीदार बनते हैं तो वो किसी दूसरे समाज की भलाई के लिए काम नहीं करते। लेकिन क्षत्रियों का इतिहास रहा है कि उन्होंने अपने बच्चों तक की गर्दनें कटवा दी दूसरे लोगों को न्याय देने के लिए, उनका सम्मान बरकरार रखने के लिए। इसीलिए हर वर्ग की ये इच्छा है बहुत समय से कि क्षत्रिय समाज भी यादवों की तरह, दलित भाइयों की तरह, निषाद भाइयों की तरह, पटेल भाइयों की तरह एक अपना झंडा बनाए, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि क्षत्रिय सबकी रक्षा करता है, सबको बराबर मान सम्मान देगा। और उसी बात को विचार करते हुए हमने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का गठन किया जिसने अभी हरियाणा में चुनाव लड़ा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैसा कि काशीराम जी ने जब बसपा का गठन किया था तो उन्होंने कहा था कि पहला चुनाव हम हारने के लिए लड़ेंगे, दूसरा हम हराने के लिए लड़ेंगे और तीसरा हम जीतने के लिए लड़ेंगे, लेकिन ईश्वर की हम पे इतनी कृपा है कि हमने पहला ही चुनाव में भाजपा को 70 से 40 पर रोक दिया वहां पर, और अगला चुनाव हम भारी संख्या में वहां पे
और जहां पर भी चुनाव लड़ेंगे वहां पर जीतेंगे। चूंकि आप क्षत्रिय समाज को रिप्रेजेंट करते हैं तो अभी तत्काल में राम मंदिर मुद्दे पर डिसीजन आने वाला है, उसके संदर्भ में आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें क्षत्रिय समाज को मैं ताल्लुक रखता हूं, इसका राम मंदिर से तो कोई लेना नहीं है। राम मंदिर, राम जी हर हिंदुस्तानी के, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सभी के जो है पूर्वज हैं, और इसमें सभी को खुश होना चाहिए कि राम जी का मंदिर अयोध्या में भव्य रूप से बनना चाहिए। और मेरे को पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसके पक्ष में फैसला देगा। आप सदैव SC ST एक्ट के अगेंस्ट सरकार के रहते हैं, वर्तमान में आपको क्या लगता है SC ST एक्ट के खिलाफ? देखिए, हम किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं रहते, कभी हम कानून के खिलाफ रहते हैं। SC ST एक्ट एक कानून है। हमारा शुरू से ये कहना है कि अगर कोई स्वर्ण जाति का या OBC का या अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति किसी SC ST समाज के भाई से दुर्व्यवहार करता है तो उसको ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जेल भी जाना चाहिए। लेकिन ये कानून गलत है कि आप बिना जांच करे ही जो है देश की 80%। TP News 24 के लिए सिधौना से बिंदेश्वरी सिंह की रिपोर्ट। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब।